हमने जो बातचीत का मुख्य मुद्दा जो रखा है, अब वो है जो अभी जो समय अभी का जो संकट है, खासतौर से कोरोना का संकट है, उसी को लेकर हमने बातचीत रखी है। और स्कूली शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं, उससे जोड़कर मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट कर देखने की कोशिश की है। कोशिश ये रहेगी कि हम एक तो ये बात करें कि संकट कितना गहरा है और ये किस तरह से हमारे काम को प्रभावित करेगा, कितना दूरगामी असर हमारे इसके कारण से पड़ने वाला है, और इसका असर कहाँ कहाँ तक होगा। तो एक तो पहला सवाल को हम लोग इसी तरह से देखने का कोशिश मैं करूँगा इस बातचीत में, कि ये संकट को हम कितना समझ पा रहे हैं। दूसरा जो हम देखेंगे कि समाधान के क्या क्या प्रयास हुए हैं और क्या क्या हो रहे हैं और हमने क्या किया है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसके क्या समाधान हो सकते हैं। और तीसरे बिंदु पर हम लोग ये बात करेंगे कि क्या स्कूल सिस्टम को ऐसा स्वावलंबी या सस्टेनेबल मॉडल के रूप में गढ़ा जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है जो इस तरह के झंझावात या जो इस तरह के संकट आते हैं उसको वो झेल सके। अल्टीमेटली हमारे स्कूल का भी जिम्मेदारी तो उसी दिशा में है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो जस्ट हो, इक्विटेबल हो, ह्यूमेन हो और सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण कर रहा हो। तो स्कूलिंग सिस्टम हमारा उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। तो इसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारा स्वरूप यही रहेगा बातचीत का। तो स्वरूप में पहला यही रहेगा कि संकट कितना गहरा है, क्या है। दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि समाधान क्या है और क्या इससे हम सीख कर कुछ नया कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी बातचीत होगी। इसमें जो तीसरा बिंदु है वो बहुत मुझे लग रहा है कि लंबा होगा, जिस पर हम लोग थोड़ा आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन ये जो 2 मुद्दे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस पर हमें लग रहा है कि इस पर हमें लगातार बातचीत करना चाहिए भी और करते रहना चाहिए। तो पहले वाली जो बिंदु है उसको लेकर हम बातचीत शुरू करते हैं। एक यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट अभी जारी हुआ, कुछ ही दिन पहले जारी हुआ था। उसमें उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो भी बहुत हमारे चिंता को बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि मालूम है कि लगभग 16,000 लाख बच्चे पूरे वर्ल्ड में स्कूल जाते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। उसमें से लगभग 94% बच्चे जो हमारे जैसे जैसे हम भारत जैसे देश हो या जो अभी डेवलपिंग है या डेवलप के दिशा में है या पिछड़े हुए हैं, उनके बच्चे हैं जो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जो लो इनकम जिसको हम कह रहे हैं कि लो इनकम ग्रुप के जो बच्चे हैं। हालांकि लो लेवल के जो बच्चों का संख्या है वो अगर पूरे में देखें तो जो कंट्री हैं उनमें देखें तो ये लगभग लगभग 99% होंगे। तो ये बात बहुत ही गहरी है, जैसे भारत जैसे देश के लिए खास तौर से जहाँ पर इस तरह के संकट हैं। और इसमें सबसे अधिक कौन प्रभावित होगा, ये एक और इंटरेस्टिंग मैटर है यहाँ पे। तो जो सबसे वल्नरेबल हमारे जो गरीब हैं, जो रिफ्यूजी हैं या ऐसे यूथ जो पॉवर्टी लेवल के नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वो सबसे प्रभावित होंगे। और उनमें भी जो खास तौर से लड़कियों का है वो तो और भी बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। उसके अनुमान के अनुसार अगर देखें तो इसका जो अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा जो लड़कियों पर खास तौर से ज़्यादा पड़ने वाला है, उसमें से एक है कि ये इनके स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, छुड़वा दिए जाएंगे उनकी पढ़ाई,
उनके कारण से उनको जल्दी उनकी शादी हो जाएगी, और जल्दी शादी ही नहीं हो गई उसके जल्दी प्रेगनेंसी की भी समस्या रहेगी, और उसके कारण से जो डेथ होते हैं वो भी उसमें एक कारण होगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो है कि एजुकेशन सिस्टम अगर कोलैप्स होता है तो इससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी जो हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो लगभग 250 मिलियन, ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 250 मिलियन जितना भारत में कुल बच्चे स्कूल जाते हैं उतनी बड़ी संख्या पूरे विश्व की, ये ऐसे बच्चे होंगे जो अभी स्कूल जा रहे हैं वो ड्रॉप आउट होने की संभावना है उनकी। तो ये बड़ा एक गंभीर मैटर है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो अभी लगभग 8,000 लाख लोग, ये 8,000 बड़ी संख्या है, 8,000 लाख लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित अभी भी है जो पूरे विश्व में है, तो ये एक बहुत बड़ा संकट क्रिएट कर रहा है ये। इसके साथ साथ जो एक कनाडा के रिसर्चर्स ने जो बात कही है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जो इसको और भी 30% से बढ़ाएगा, ये और चिंता की बात है। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड बैंक इस पर अपना विचार दे रहा है उसके अनुसार देखें तो ये जो हमारे लॉस ऑफ लर्निंग है उसके कारण से जो प्रोफिशिएंसी है, जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो और भी नीचे जा रहा है, जिसके कारण से जो जो आवश्यक दक्षता है जो सोसाइटी में जिस दक्षता के कारण से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं वो दक्षताएं और भी नीचे जाने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ जो इमोशनल जो इनसिक्योरिटी बढ़ रही है वो भी अलग ही है। बहुत से ऐसे टीचर जो किन्हीं कारणों से उनकी नौकरी पर बनाई है, जो प्राइवेट स्कूलों में या अन्य स्कूलों में जो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी यही चिंता है, और इस चिंता से परिवार भी जूझ रहा है, और साथ साथ वो जो इमोशनल जिनके कारण से वो इनसिक्योरिटी और बढ़ रही है उनके और भी चैलेंजेस सामने आने वाले हैं आने वाले समय में। डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनका एक संगठन है जिसको OECD कहते हैं, अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज के जो जो समय समय पर पीसा का ऑर्गेनाइज करता है, ऐसे जो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट कराता है हर तीसरे साल बच्चों का जो 10वीं में आते हैं उनका कराता है, उनको उनकी अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि जो ये लर्निंग गैप बन रहे हैं, लॉस ऑफ जो लर्निंग हो रहे हैं उससे आशंका ये बन रही है कि लगभग लगभग इससे 72% बच्चे, 72% बच्चे ये 10वीं में जो वो आकर अपना पीसा का एग्जाम देते हैं, असेसमेंट देते हैं, उसमें उनका लगभग जो स्किल में डिप्रेसिएशन हो रहा है, जो स्किल जो अचीव करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से जो आर्थिक लॉस होने वाला है, जो इकोनॉमिक लॉस होने वाले हैं वो लगभग लगभग अनुमान से 16,000 US डॉलर के बराबर है। तो ये अनुमान है एक एक बच्चे पर, अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए, इसको पूरे वर्ल्ड के सिनारियों से देखने की कोशिश की जाए तो यह जाकर लगभग बैठता है 10 ट्रिलियन US डॉलर। अब ये बड़ी उनका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा चौंकाने वाला है। भारत कोशिश कर रहा है कि हम 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बन जाएं, तो ये अनुमान लगाना बहुत आसान हो सकता है कि 10 ट्रिलियन का लॉस होगा इन बच्चों के कारण से जो जो ये पेंडेमिक के कारण से होने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंता
की बात हम सबको है सामने। इसके साथ साथ जो एक यूनाइटेड यूनेस्को की भी एक रिपोर्ट है कि इसमें लगभग 2380 लाख बच्चे या युवा के ड्रॉप आउट होने की आशंका उन्होंने भी व्यक्त की है। तो ये सब जितने भी हम देख रहे हैं, जो भी आंकड़े इसमें आ रहे हैं, उसमें यही बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा चिंता की बात है। ये गहराई इसके, ये पेंडेमिक की गहराई को समझने में मदद मिलेगा। और एक और जो चिंता हो रही है, क्योंकि स्कूल जब खुले रहते हैं तो बच्चों के पोषण का भी ध्यान रखा जाता है, और ख़ास तौर से भारत जैसे देशों में जहाँ MDM का पोषण का एक बहुत बड़ा जरिया भी है, तो वहाँ पर भी देखें तो इसको लेकर, और जो जिनकी नौकरी छूट रही है और जिनके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट का एक संकट गहरा रहा है, इस सबको अगर जोड़ के देखें तो 195 ऐसे देशों में देखा गया है कि 370 मिलियन देशों में जो पौष्टिक आहार के जो बच्चों को मिल रहा है वो प्रभावित होगा। और ये प्रभावित होने से जो स्वास्थ्य में जो संकट आने वाले हैं, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम लोग देखते हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला होगा। इसके साथ ही जो इस तरह के खतरे हैं वो और बढ़ते ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें तो ये तो संकट गहरा है, तो इसे कैसे निपटे, क्या किया जा सकता है, इसको अगर भारत के संदर्भ में भी देखने की कोशिश करें तो जैसे पहले भी बात हुई थी, लगभग ये 250 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हमारे यहाँ हैं भारत में। स्कूल अगर देखें 5 से लेकर 24 साल के, ये आंकड़ा 2019 का है, तो 500 मिलियन कुल बच्चे, कुल इस एज ग्रुप में लोग आते हैं जो अलग अलग 5 से लेकर 24 साल के बच्चे जो यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनको सब में से देखें तो 250 मिलियन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हैं। तो संभावनाएं तो है, कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं जहाँ पर बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से प्रयास किया है, पूरे विश्व में इस पर लोगों ने कुछ कोशिश की है। कई ऐसे देशों में जो डिस्टेंस लर्निंग को लेकर बहुत अच्छा मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप कर लिया था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर लिया था, तो वो काम कारगर रहा है। तो इस संकट के दौरान उन्होंने इसको लेकर भी जो प्रयास कर रहे हैं वो कुछ हद तक जरूर सफल हो रहा है, भारत में भी इसको लेकर कर रहे हैं, जैसे डिस्टेंस लर्निंग मॉडलिटीज का उपयोग करना, इस प्रयास में टेलीविज़न को, और बहुत दिनों से रेडियो जैसे चीज़ें छूट गई थी उसको भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन जो क्लासें जो चलाई जा रही थी उनकी संख्याएं भी बढ़ी हैं। उसके कारण से जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अलग हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन ये एक ख़ास तौर से भारत में अगर देखें तो 4G की जो कनेक्टिविटी है वो रिमोट एरिया तक बढ़ी है, तो उससे बहुत लोगों को लगता है कि हम उस दिशा में अगर बढ़ते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन को हम प्रमोट करने में सफल होंगे। तो ऐसे भी सोच हमारे बहुत से लोगों में है, उसका एक परीक्षण करने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर हम अलग से बात अभी करेंगे हम लोग। तो इसमें जो अलग अलग मीडियम का उपयोग हो रहा है, कुछ प्रयास भी हुए हैं जिसमें कि अलग अलग तरह से इनोवेटिव कंटिन्यूस असेसमेंट के कुछ मॉड्यूल तैयार किए हैं लोगों ने और उसको बच्चों को दे रहे हैं। तो इस तरह से तमाम प्रयास जारी हैं, और इस प्रयास में अगर देखें तो कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस तो बहुत हैं अगर देखें
तो जो छोटे बच्चे हैं, खास तौर से जो ई से जुड़े हुए, आंगनवाड़ी से जुड़े हुए, या ऐसे जो अभी पहली बार स्कूल में जिनका नामांकन हुआ है, उन बच्चों को अगर देखें तो वो बच्चे इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर जो काम मिलना चाहिए वो समय पर मिल नहीं रहा है। समय पर उनके जो ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण से जो चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षा बहुत हद तक ह्यूमन इंटरेक्शन पर निर्भर करता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो इसको अगर देखते हुए बात करें तो जो पहली बार स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए अभी स्कूल बंद है, तो उनके एक नए संकट है, वो स्कूल आ नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं खास तौर से, उनको इसके कारण से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मीनिंगफुल इंगेजमेंट घर पर नहीं हो पा रहा है। कुछ पब्लिक स्कूल्स ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला है, और जो उन्होंने खास तौर से वर्चुअल स्पेस लर्निंग के लिए स्पेस खोजा है, डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस तरह के प्रयास किए, दीक्षा जैसे पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को मजबूत भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन को प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन सब मिलाकर अगर देखें तो ये कितना प्रभावकारी है, अभी इस पर भारत में खासतौर से अभी विस्तृत अध्ययन, पूरे विश्व में ही इस पर कोई विस्तृत अध्ययन अभी नहीं हुआ है। कुछ प्रयास जरूर हो रहे हैं, कुछ लोग इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को समझने का कोशिश किया जाए, लेकिन अभी बहुत विस्तृत इस पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। संभावनाओं को देखें तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जब इसके आर्थिक पक्ष को हम देखते हैं तो शिक्षा एक स्कूल का जो इसका इकोसिस्टम है वो बहुत दूर दूर तक प्रभाव डालता है। अगर इसको देखें तो अगर भारत का ही अगर एक अनुमानित लगाएं तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड जो यहाँ कॉस्ट को अगर देखें, कॉस्ट के हिसाब से देखें, बजट के हिसाब से देखें, तो आप जानते हैं कि ये लगभग लगभग इसका 100 बिलियन से ऊपर का ये बजट इसमें खर्च होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से, तो बहुत बड़ा अमाउंट इसमें जाता है। और इस देश में, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, लगभग यहाँ पर 1.5 मिलियन स्कूल हैं, तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा, और 250 मिलियन बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं, तो ये भारत के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा एक विस्तृत योजना और खर्च का एक अनुमान लगाया जा सकता है। और कॉलेजों की संख्या लगभग 4,000 के आसपास है, उसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी देखें तो 1,000 के आसपास यूनिवर्सिटी भारत में। और लेकिन जो चिंता की बात है, वह जो हायर एजुकेशन में देखें तो हायर एजुकेशन में लगभग 30 से कम ही ग्रॉस इनरोलमेंट का रेशियो है, जो अभी भी चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। और इसमें ये कोविड ये एक दोहरा संकट भी है, जिसमें हमारे अगर देखें तो हायर क्लास में जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाती है, और इसको 100% करने का अगर सोचा भी जाए तो किस तरह से ले जाएंगे, इसको लेकर बहुत सी लोगों को चिंता है, इस बात को लेकर कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये मिले जुले जो प्रयास हैं वो जो विश्व स्तर पर हम जो हो रहे हैं वो हमने बात की। अभी हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी उस पर अभी बात हम करेंगे। जैसा हम लोगों ने भी जब ये कोविड शुरू हुआ था और इनको लेकर चिंताएं हम सभी देख रहे थे, और टेलीविजन से लेकर सभी मीडियम पर इसको मीडिया के लोगों का इसमें बड़ा वो है कि किस तरह से पूरे विश्व में इसको लेकर पैनिक की स्थिति बनी थी, तो उस समय से ही लगने लगा था कि ये स्थिति तो अभी सुधरने वाली नहीं है।
तो हमारे प्रयास क्या होंगे, हम क्या कर सकते हैं? हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, हम कुछ न कुछ हमें करना ही चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो तत्काल जो समझ में आया कि व्हाट्सएप का अप्रोच कुछ सालों में भारत में तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और देखें तो विश्व का सबसे ज़्यादा संख्या में लोग जहाँ पर यूज करते हैं व्हाट्सएप को, वो भारत ही है। तो ये संभावनाएं थी कि व्हाट्सएप वाले ग्रुप को हम क्रिएट करें और उसके साथ कुछ काम बच्चों के साथ ऑनलाइन मोड में करें। तो ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने काम को शुरू तो किया। अगर देखें तो एक मोटे अनुमान से लगभग 20% बच्चे मतलब अच्छी तरह से इंगेज भी हुए, और ये इंगेजमेंट अगर देखें तो बहुत दिनों तक ये सस्टेनेबल नहीं रहा। कारण कई थे, क्योंकि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके आर्थिक स्थिति की भी बात है, क्योंकि उस समय काम भी बंद हो गए थे, जो अर्निंग है पेरेंट्स की वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो स्वाभाविक था कि उनको रिचार्ज कराना, उसको डाटा डलवाना, ये सब समस्याएं आनी ही थी, और उसके कारण से इसका जो प्रभाव है वो ज़रूर प्रभावित हुआ। और अधिक से अधिक हम लोगों ने देखा कि 19% से लेकर 20% बच्चे फुली इंगेज हो रहे हैं, और मतलब मीनिंगफुली इंगेज हो रहे हैं। तो ये एक चैलेंज था, और इस चैलेंज को हम लोगों ने फिर थोड़ा और अध्ययन करके ये समझने की कोशिश किया कि और क्या उपाय हो सकता है। तो दूसरा जो उपाय समझ में आया वो ये था कि हम वर्कशीट करें, वर्कशीट बनाएं बच्चों के लिए, और वर्कशीट भी ऐसे हो कि हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के कम से कम ज़रूरत पड़े, यानी कम से कम हम उसके संपर्क में जाएं और वो काम हो जाए। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने प्रयास किया और ऐसे वर्कशीट बनाने का कोशिश की जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, खुद ही अपने को उसको बच्चे को लगे कि हमें क्या करना है, हमें उसको समझ में आता हो, वो करे और अपने को व्यस्त रख सके और वो मीनिंगफुली अपने को इंगेज कर सके, जिसमें लर्निंग भी हो रही हो और साथ साथ उसके अपने काम भी जो हैं वो भी कर रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने कोशिश की, और इसका पहला तो जो रिजल्ट भी रहा उत्साहजनक ही रहा। और फिर अगले चरण में हम लोगों ने पुस्तकालय की पुस्तकें भी बच्चों को साथ में दी, और देखा कि इसका भी असर हमें पॉजिटिव मिला। तो हमारा कुल मिला जुला का जो अपना असेसमेंट रहा वो भी स्वाभाविक रूप से अच्छा था, लेकिन ये जो परसेंटेज जिसको हमने कहा कि पहले 20% था, तो ये बढ़कर अधिक से अधिक 35% तक गया, जिसमें हर बच्चे मीनिंगफुली इंगेज हो रहे हैं। तो अगर देखें तो बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, और ये गैप शायद और प्रयासों से भरा जा सकता है, और ये जो हम दूसरा इसमें आगे का जो प्रयास हम लोगों ने किया उसमें ये किया कि अब हम थोड़ा इंटरेक्शन भी करने शुरू किए, बच्चों के पास भी जाना शुरू किया, उनकी मदद करना शुरू किया, क्योंकि पहले जो कम्युनिटी में खास तौर से जो लोग हैं वो या पेरेंट्स हैं, तो ज़्यादातर हमारे बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर्स हैं, तो उनको उनके लिए दिक्कत तो है, और उनकी दिक्कत को समझते हुए हम लोग ने आगे बढ़ के ये कोशिश की कि हम उनके पास जाएं और उनसे संपर्क करें, उनके समस्याओं को समझें, उनके साथ मदद कर सकें। तो ये भी प्रयास हम लोगों ने किया और इसका नतीजा भी ठीक रहा, और 35 से लेकर अलग अलग विषयों को अगर देखें तो 50% तक अलग अलग विषय के हिसाब से देखें तो हम सफल रहे। लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि बहुत सफल हम सफलता की दिशा में गए, क्योंकि जिस तरह से क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लासरूम में जिस तरह से एक इन्वायरमेंट बनती है, वो इन्वायरमेंट बनाना मुश्किल होता है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के जो हम प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी बहुत सफल नहीं है,
उसकी भी समस्याएं हैं, उसके लिए भी लिमिटेशंस हैं। ख़ासतौर से जहाँ पर जो सोशल बच्चों का एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम तैयार करने की कोशिश अगर हम करते हैं, तो उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ें, ये चिंताएं हमारी ही रही हैं इसमें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जब भी हम नया वर्कशीट बनाते हैं उसको एक बार हम जरूर सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं उसको, कैसे और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। तो इस दिशा में काम करने की और भी संभावनाएं हैं, और इस दिशा में हम काम तो जो प्रयास हमारा है वो लगातार चल रहा है, और सरकार ने भी अभी इस तरह के प्रयासों को और भी बल दिया है, और हम लोगों ने अपने जो प्रयास किए हैं उसका भी रिजल्ट एक तरह से अच्छा रहा है। जो हमने ये प्रयास किए, जो ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ कि आपके कमेंट भी हैं, कि जो प्रयास वर्कशीट को लेकर हमने किया और जो बुक्स देने की किया, इसका स्वाभाविक है कि रिजल्ट अच्छा रहा। लेकिन अभी भी ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि बच्चे के साथ जो फेस टू फेस बातचीत करके जिस तरह की चीज़ों का हम कर सकते हैं, उसको कोई दूसरा मीडियम शायद उतना प्रभावी तरीके से नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत चैलेंज है और शायद रहेगा आने वाले समय में, जिस तरह से अभी दिख रहा है, तो शायद और आगे तक इसमें बढ़ने की संभावना है। कुछ सवाल हैं शायद? हाँ अनुराग जी का जो सवाल है, ये बिल्कुल सही सवाल है। जब सरकार भी ऑनलाइन का प्रयास कर रही है, और सरकार को लग रहा है कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सकता है, इसमें हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर उपयोग दूर दूर तक किया जा सकता है। जो भारत जैसे देश में अभी इस तरह के जो स्किल वाले टीचर, या ऐसे जो टीचर जो विषय को बहुत गहराई के साथ जानते हैं, अभी बहुत कमी है। ये स्वाभाविक है कि अभी उस तरह के लेवल पर हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार उस दिशा में भी देख रही है कि अगर ऑनलाइन को प्रमोट करें तो इस तरह की समस्याओं को भी एड्रेस किया जा सकता है, जिसमें जो टीचर्स, जो क्वालिटी के टीचर्स जिसको हम कह रहे हैं कि बेहतरीन शिक्षा का समझ रखने वाले लोग इसे मिलें, वो स्वाभाविक है कि उस चुनौती को सरकारें एक 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 समय के लिए दूर कर पाएंगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि उसके बच्चे के स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते हुए, उसके संदर्भों का उपयोग करते हुए, उनके जो आसपास जो चीज़ें फैली हैं, बिखरी हैं, उनको उपयोग करते हुए, उनके जो आसपास चीज़ हैं उनको सम्मिलित करते हुए, जो संसाधन हैं उनको सम्मिलित करते हुए कैसे इसको बढ़ाएं, उसमें वो बहुत बड़ा बाधक होगा। क्योंकि आप लर्निंग को अनुभव के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें वो सफलता शायद नहीं मिले जितना हायर एजुकेशन में इस ऑनलाइन मोड का ज़रूरत पड़ती है, और ऑनलाइन इस तरह से काम करता है वो हो पाता है। तो इसको अगर देखते हुए देखें तो ये स्वाभाविक है कि इस दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से इस परिस्थिति के लिए तो सही है, लेकिन दूरगामी इसका असर शायद नहीं होने वाला है। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि किस तरह से इसको और इनोवेटिव किया जा सके, तो इसमें बहुत बड़ा जो ज़रूरी चीज़ ये लगती है कि कैसे हम कुछ ऐसे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए जो उनके आसपास हो, और ख़ास तौर से प्रोजेक्ट वर्क को प्रमोट करते हैं जिसमें एक लक्ष्य हो, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए आसपास के चीज़ों का वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हों, उसका डाटा है कलेक्ट कर रहे हों, फिर उस डाटा को वो
प्रोसेस कर रहे हों और उसका कुछ निष्कर्ष निकाल के उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हों। तो इस तरह का एक अगर प्रयास करें तो शायद और भी उचित होगा। इसमें इस बात को लेकर मुझे ध्यान आ रहा है कि एक केन रॉबिन्सन ने इस पर अपनी बात करी थी, जिसने स्कूल के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हर स्कूल का कम से कम ये प्रयास हो कि जो स्कूल में जो दक्षताएं सिखाई जाती हैं उनको उन्होंने 8 हिस्सों में बांट कर देखने की कोशिश की थी कि 8 दक्षताएं ही हैं जो मूल हैं। हालांकि इसको लेकर और भी बात की जा सकती है, लेकिन उनके अगर कोट करें तो उनका ये मानना था कि ये जो 8 दक्षताएं हैं उस 8 दक्षताओं को अच्छी तरह से अगर हम बच्चों में ले जाएं तो शायद बहुत ही अच्छे तरह से स्कूल अपने दायित्वों को निर्वहित कर सकते हैं, जिसमें से कोलेबरेशन को लेकर कम्युनिकेशन, ये इस तरह की जो दक्षताएं हैं, जो दक्षताएं जिसमें से क्यूरियोसिटी भी पहले उनके अनुसार ये दक्षता जरूरी है, ये कॉम्पिटेंसी, हमारा प्रयास इस तरह से हो कि बच्चे क्यूरियस बने, यानी कि सवाल पूछ सकें, प्रश्न पूछ सकें, एक्सप्लोर कर सकें, तो इस तरह की दक्षता हासिल करने के जो मौके हैं वो शायद हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, पेरेंट्स को सम्मिलित करके इस तरह से उनको जोड़ सकते हैं और क्यूरियसिटी को बढ़ाने के प्रयास हम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी की बात होती है, बच्चे घर पर हैं, फ्री हैं, तो फ्री बहुत बार क्या होता है पेरेंट्स उसको किसी और काम में इंगेज कर देते हैं, तो जो शिक्षा शिक्षकीय काम, शिक्षा से संबंधित काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो क्रिएटिव बने, अपने काम में ही किसी तरह से क्रिएटिवनेस लाए। क्रिएटिव अपने आप में कोई अलग नहीं है, उनके हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं थॉट्स आते रहते हैं, उस थॉट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको किस तरह से उस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको अप्लाई कैसे कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी को हम क्रिएटिविटी के दर्जे में लाते हैं और इस तरह के मौके घर पर मिल सकते हैं। ये एक और जो दक्षता होती है, शायद वो हम स्कूल में ही कर सकते हैं शायद, जैसे जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, तो ये भी एक एनालिटिकल एनालिसिस है, एनालिटिकल कॉम्पिटेंसी है, जिसमें बच्चे को सतवीर जी आप लिख रहे हैं कि बच्चों के साथ बैठकर कुछ कार्य करना और सिर्फ मोबाइल पर काम दे देना, खास इस समय पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो ये जो मोबाइल वाला काम है, ये तो मेरे हिसाब से, मैं अगर बात करूँ तो कई इसका असर है। एक तो आप लैपटॉप या पीसी की बात करें तो उसके स्क्रीन बड़े होते हैं, हमारे मोबाइल के स्क्रीन छोटे होते हैं, और इसमें बच्चे आँख गड़ा कर बहुत देर तक अगर उस पर काम करते हैं तो वो स्वाभाविक है कि उनके आँख पर उसका गलत असर पड़ेगा। साथ ही जो इसमें से जो रेज भी आती हैं वो भी हमारे आँख को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, और कंसंट्रेशन को लेकर के, क्योंकि इसके बहुत बार ये होता है कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो बच्चे उस पर ध्यान तो लगाते हैं, तुरंत कहीं दूसरे जगह पर व्हाट्सएप पर, वीडियो पर या अन्य चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दोनों तरह से खतरे होते हैं, तो इसको अगर देखते हुए देखें तो ये प्रयास के कुछ अवसर तो देता है, मौका तो देता है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो बेसिक जो कॉम्पिटेंसी है वो उसको अगर बढ़ाने की बात करी तो इसको लेकर हमें जो केन रॉबिन्सन की बात मैं कर रहा था कि किस तरह से जो जैसे कुछ चीज़ों में हमें चैलेंज है अभी, जैसे कोलेबरेशन के मौके नहीं मिल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं तो खेलें कैसे, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स खासतौर से गांव में तो ठीक है अभी बच्चे खेलते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, उनके लिए इस तरह का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन शहरों में अभी बच्चे अपने अपने फ्लैट में बंद हैं, घरों के अंदर बंद हैं, तो कोलेबरेटिव जो लर्निंग के एक दक्षताएँ होती है, दक्षता होती है, उसको वो हासिल करना मुश्किल ही लगता है।
एक जो और होता है जिसको हम कहते हैं कंपैशन, तो एक कंपैशन का मतलब अगर मोटे अर्थों में देखें तो ये ऐसी दक्षता है जिसमें हम ये सिखाते हैं कि दूसरे को दर्द को हम कैसे समझ पाएं। जो भावनात्मक विकास की बात जब करते हैं तो यहाँ पर तो ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि घर में बच्चे बंद, भावनात्मक विकास किस तरह से हो पाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और जो बड़ी चिंता है वो है कि जिसको हम कंपोजर कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये होती है कि हम अपने अंदर की को पहचाने, अपने को पहचानने की एक दक्षता हमारे अंदर विकसित हो, हम अपने को जाने। आज भी आप देखें तो बहुत से कम इस तरह के मौके मिलते हैं जिसमें हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम अपने को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो इस तरह की जो दक्षताएं होती हैं वो समूह में होती हैं कि हम एक दूसरे से इस बात करके, एक दूसरे से डिस्कशन करके इसको चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। और जो आठवां जो केन रॉबिन्सन के अनुसार जो दक्षता की बात वो करते हैं वो है सिटीजनशिप। ये बहुत व्यापक है, जिसमें हम अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाएं उसको लेकर बहुत बातचीत होती है। तो ये तो कुछ बातें मेरे तरफ से थी जो इसको लेकर, इस चैलेंज को लेकर है। और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर हम लेंगे। तो हमने जो बात अभी की है वो है संकट को समझने की कोशिश किया है, संकट कितना गहरा है वो उसको समझने की हमने बात की है। इसका समाधान पर हम लोगों ने कुछ बातें की हैं। समाधान में कुछ बातें ये आ रही थी कि अभी भी संभावनाएं हैं, जो बच्चे जहाँ पर रहते हैं उनके सर्वे हो सकता है, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए गणित हो सकता है, उनसे जुड़े हुए और विषयों की प्रकृति को हम रख सकते हैं, जिसमें सोशल साइंस में भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे आसपास की चीज़ों को खोजें, इतिहास जानें, उनके यहाँ बसने का कारण क्या था, इस गांव में आने के, इस गांव में किस पीढ़ी से आए, तो अपने परिवार को जानने, अपने परिवार से आगे की चीज़ों को जानने के प्रयास करें। तो इस तरह के अगर कुछ और भी इनोवेटिव आइडिया आते हैं तो इसको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से आप ज़रूर इसमें कमेंट करें और अपनी बात को ज़रूर रखें, जिससे इस तरह के सवालों को कैसे एड्रेस किया जाए इस पर भी समाधान मिले। एक और जो हमने तीसरी बात रखी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पर एक लंबी बात हो सकती है, कि स्कूल एक सस्टेनेबल मॉडल कैसे बन सकता है, क्योंकि चिंताएं अभी भी हैं। जब किसी शिक्षक से हम बात करते हैं तो ये आ जाता है कि भाई पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह की चीज बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग तरह के डिस्कोर्स के तरफ जाते हैं हम लोग, कि पेरेंट्स से अपेक्षाएं हमारी बढ़ जाती हैं और पेरेंट्स को लगता है कि शिक्षक तो इसीलिए हैं कि वो हमारे बच्चे को पढ़ाए, हम ध्यान देना होता तो क्यों हम। तो ये जो द्वंद है दोनों के बीच में, वो शायद संवाद से ही होगा, और संवाद तभी होगा जब ये कोरोना संकट दूर होगा। तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर बहुत से चिंतन करने की आवश्यकता है। सवाल थोड़ा देख पा रहा हूँ। आने वाले समय में स्कूल शिक्षा या जिम्मेदारियों के किस तरह से परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? अनुराग जी का सवाल है, क्या लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का सर्वाधिक, अच्छा इसका तो इस सही है, आपका सवाल तो बहुत ही वाजिब है। कुछ कंपनियों ने इस दिशा में काम तो करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो काम कितना
कितना प्रभावी तरीके से होगा, क्योंकि कुछ कंपनियों ने एक रोड मैप बनाया जिसमें वो 2024 तक का ये सोच रहे हैं कि उस समय तक या हमारे पास इतनी दक्षता हो जाएगी, यानी जैसे 5G का कंसेप्ट आ जाएगा उस समय हम बच्चे के वर्चुअल क्लासरूम को हम क्रिएट कहीं भी कर पाएंगे। तो शायद वो समय अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर उस दिशा में उतने सक्षम नहीं है कि इस तरह के लोड को उठा पाए। अभी भी जैसे 4G को लेकर भी पूरे विश्व में देखें तो हम बहुत सस्ते हमारे यहाँ मिलते हैं नेट चार्जर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके कई ऐसे है जो अभी तो लगता तो है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो शायद हो नहीं पाता है। रेडियो को लेकर जरूर है, रेडियो की पहुंच, लेकिन रेडियो जब से टेलीविज़न के आने के बाद से रेडियो ही उपेक्षित ही था, तो बहुत लोगों के पास ये संसाधन उपलब्ध ये रेडियो उपलब्ध नहीं है। तो ये एक चिंता की बात है। और रेडियो का जो प्रसारण भी बहुत पहले से ही उस पर इस तरह का ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण से इसके अप्रोच भी बहुत कम हुए हैं। जैसे शॉर्ट वेव को कम कर दिया गया है, FM को लिया गया है, तो FM बहुत से कम एरिया को ही कवर करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। एक और सवाल सतीश जी पूछ रहे हैं कि खास तौर से आपने देखा देखे तो सोचना पड़ेगा कि आप अपने समाज को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस बात पर सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्कूल बंद है और अभी अभिभावक की भूमिका अधिक दिखाई देती है। हाँ सदगिर जी, बिल्कुल ही सही बात है आपका, ये जो आपकी चिंता है ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जिस तरह से अभिभावकों की जोड़ने की बात हो रही है, उनके ऑनरशिप को और बढ़ाने की बात है कि आप जब तक हमें मदद नहीं करेंगे, ये हम मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो जिस सस्टेनेबल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल सोसाइटी केवल कुछ एक टीचर ही जाके कर दे ऐसा नहीं होगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट को ज़रूरी है। उदाहरण के लिए जिस तरह से सिरोही टीम ने लोगों को कोविड को के अगेंस्ट एकजुट किया, उनको जोड़ा, ये अपने आप में एक उदाहरण है जहाँ पर जिसको देखा जा सकता है। जिस तरह से लोगों ने ऑनरशिप ली कि हम अपने मोहल्ले को कोविड का प्रवेश नहीं होने देंगे, कोविड को नहीं आने देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें हर मोहल्ले के छोटे छोटे मोहल्ले के रिप्रेजेंटेटिव वॉलेंटियर्स आगे आए और उन्होंने प्रण लिया कि हम किसी भी तरह से कोविड को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, और ये तभी संभव हुआ कि जब एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना। तो विश्वास की भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए अगर कहें कि स्कूल की अभी जो जिम्मेदारी बढ़ रही है वो निश्चित रूप से दोहरी है। इसमें पेरेंट्स को हम किस तरह से अपने कामों के साथ उनको इंगेज करें, किस तरह से बच्चों को वो इंगेज करें उसकी योजना हम बनाएं। तो इसमें हम बच्चों के साथ तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें पेरेंट्स को भी उसी के साथ साथ एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये निश्चित रूप से ये भूमिका हमारी और बढ़ेगी, अभिभावकों की भूमिका बढ़ाने के लिए हमारी भूमिका भी बढ़ेगी। और एक जो दृष्टि है वो जो देखने की इसमें बात आ रही है, वो ब्रूस लिप्टन की एक बुक है जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर रेखांकित करने की कोशिश किया है कि समाज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, और ख़ास तौर से तो अगर देखें तो शिक्षक की जिम्मेदारी मानी जाती है कि समाज को व्यवस्थित सही दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो शिक्षक की ही है। तो ये जिम्मेदारी किस तरह से और पुख्ता हो, इस पर बहुत से अभी काम करने की ज़रूरत है, इस दिशा में और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अच्छी बात है कि
या अजिम प्रेमजी फाउंडेशन जैसे संस्था इसको लेकर अब बहुत ही संजीदगी के साथ आगे काम कर रही है, और इस प्रयास में हमारे स्कूल भी बहुत ही योगदान दे रहे हैं, और जो उनका अपना अनुभव है वो कहीं ना कहीं समाज को बहुत काम आने वाला है। तो इस दिशा में और प्रयास करने की लगातार ज़रूरत होती रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि हमारा टाइम शायद हो गया है, 47 हो रहा है, तो अगर कोई सवाल नहीं हो तो हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। तो एक बार फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। तो हम लोग